Hello students, today we are going to learn the summary of your first chapter. It is a poem by greatest poet of nature, William Wordsworth. So let's start with the poem, 3 Years She Grew. Write the brief summary of the poem in about 100 words. फाइनल ईयर में आपको एग्जाम में लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स. 100 वर्ड्स आपके लॉन्ग रजिस्टर में अगर आप प्रॉपरली लिखेंगे तो लगभग एक पेज होगा, या फिर एग्जाम के आंसर शीट में लगभग 2 पेज आपको आंसर लिखना होगा. सो लेट्स सी हाउ कैन वी राइट द समरी ऑफ द पोयम. 3 Years She Grew is one of the Lucy poems of William Wordsworth, the greatest poet of nature and humanity. William Wordsworth English literature के सबसे महान कवियों में से एक माने जाते हैं. And 3 Years She Grew is one of his Lucy series of poems. Lucy के नाम से उनकी जो कविताएं हैं उनमें से ये कविता भी एक है. And this poem express his personal experience. And the poem is एलिजिक इन नेचर. एलिजी उस कविता को बोला जाता है जो किसी की मौत के बाद उसकी स्मृति में या उसके दुख में लिखा जाता है. एंड दिस पोयम डील्स विद मिस्ट्री ऑफ डेथ. यह कविता मौत के रहस्य एंड कॉन्सिक्वेंट ग्रीप और मौत के बाद आने वाले दुख के बारे में लिखी गई है. इन दिस पोयम लूसी इज शोन एज अ लवली 3-year-old चाइल्ड. तो लूसी जो है वो 3 साल की एक छोटी सी लड़की है. शी इज टेकन अप बाय मदर नेचर अंडर हर केयर. नेचर कंसिडर्स हर लाइक अ लवली फ्लावर नेवर सोन ऑन द अर्थ. द गर्ल इज सो ब्यूटिफुल दैट. प्रकृति को ये लगता है कि प्रकृति पर इतनी सुंदर लड़की कभी भी नहीं आई. सो नेचर डिसाइड्स टू टेक हर इन हर ओन केयर. प्रकृति ये तय करती है कि इस लड़की को मैं अपने संरक्षण में पाल कर बड़ा करूंगी. नेचर प्रोमिसेस टू प्रोड्यूस हर एज परफेक्ट वुमेन एंड ड्रीम्ड दैट द गर्ल वुड प्ले इन द रॉक एंड प्लेन एंड वुड लर्न बोथ लॉ एंड इम्पल्स और रिस्ट्रेन एंड मोटिवेशन इन द लैप ऑफ नेचर. नेचर प्रॉमिसेस, प्रकृति ये डिसाइड करती है कि उस लड़की को वो एक परफेक्ट वुमेन, एक आदर्श महिला के रूप में बड़ी करेगी. एंड ड्रीम्ड दैट, मैंने प्रकृति का सपना ये था कि दैट गर्ल वुड प्ले इन रॉक एंड प्लेन, पहाड़ों पर या मैदान में. कहने का अर्थ जीवन में सुख और दुख दोनों को वो प्रकृति के साथ ही सहन करने की शक्ति सीख पाएगी. एंड शी वुड लर्न बोथ लॉ एंड इम्पल्स. प्रकृति की गोद में ही लूसी लॉ एंड इम्पल्स. लॉ मतलब होता है नियम और इम्पल्स मतलब होता है आवेग. हमारे जीवन में नियम या अनुशासन कितना होना चाहिए और आज़ादी कितनी होनी चाहिए वो प्रकृति से ही सीखेगी. रिस्ट्रेन मतलब होता है कंट्रोल करना एंड मोटिवेशन. प्रकृति से ही वो आगे बढ़ने की प्रेरणा ले पाएगी. Nature aspires that the girl would learn the vital feelings of humanity from each and every element of nature. Aspires मतलब होता है लक्ष्य निर्धारित करना या सपने देखना. तो प्रकृति का ये सपना है कि the girl would learn the vital feelings. Vital मतलब होता है जीवंत. Feelings of humanity, मानवता के गुण. From each and every element of nature, प्रकृति के हर एक कंपोनेंट से लूसी मानवता के सच्चे गुण सीख पाएगी ये प्रकृति सोचती है. She would be sportive as a fawn. यह वर्ड्सवर्थ की अपनी फिलॉसफी है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रकृति के ज्यादा करीब है उसमें मानवता के गुण ज्यादा अच्छी तरह से आ पाते हैं. She would be sportive as a fawn. फॉन मतलब होता है यंग डियर. हिरण के बच्चे को, शावक को बोला जाता है फॉन. तो जिस तरीके से फॉन एक्टिव होता है, फुर्तीला होता है और तेजी से दौड़ सकता है, उसी तरीके से लूसी भी चूंकि वो प्रकृति की गोद में पलेगी तो वो भी बहुत एक्टिव होगी, फुर्तीली होगी. द फ्लोटिंग क्लाउड्स वुड लेंड हर मैजेस्टिक मोमेंट.
बादलों की गति से भी वो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकेगी। द विलो ट्री अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी। विलो ट्री एक प्रकार का वृक्ष है जिसकी शाखाएं झुकी हुई होती है जमीन की तरफ। तो ये जो पेड़ है वो लूसी को ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता का भाव, जीवन में विनम्र रहने, नीचे झुकने का भाव सिखाएगा। द साउंड ऑफ स्ट्रीम प्रोवाइड स्वीटनेस एंड ब्यूटी टू द फेस ऑफ लूसी। स्ट्रीम मतलब होता है छोटी नदी, तो पर्वत के ऊपर से बहकर आती हुई छोटी सी नदी भी प्रोवाइड स्वीटनेस एंड ब्यूटी उसके चेहरे को सौंदर्य प्रदान करेगा। इवन द मोशन ऑफ स्टॉर्म वुड गिव हर अ ग्रेस टू मोल्ड हर इनटू अ परफेक्ट वुमन। तो प्रकृति के हर एक कण से, यहाँ तक कि तूफान से भी वे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा ले पाएगी कि जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, हमें अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ निश्चय होकर आगे बढ़ना है। She would have the sensibility to enjoy the beauty of midnight stars. Sensibility मतलब संवेदना। तो चूंकि उसे प्रकृति से बहुत लगाव होगा, तो वो midnight stars मध्य रात की चांदनी के सौंदर्य को भी enjoy कर पाएगी, उसकी beauty को feel कर पाएगी। She would feel the overseeing power of nature everywhere she goes. Oversee करना मतलब होता है monitoring करना, just like CCTV camera. तो लूसी जहां जहां भी जाएगी प्रकृति उसका monitoring कर रही है, उसका मार्गदर्शन कर रही है, ये उस चीज को feel कर पाएगी। She would feel the silent sympathy of nature in every odd of her life. आड मतलब होता है विपरीत परिस्थिति, जीवन के किसी भी मुसीबत में शी वुड फील द साइलेंट सिंपथी। वो ये महसूस कर पाएगी कि प्रकृति का मौन जो उसकी सहानुभूति है वो हमेशा उसके साथ है। Thus नेचर विशेस टू ब्लेस हर विथ ऑल द वाइटल फीलिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस तरीके से प्रकृति की ये इच्छा है कि उसमें मानवता के सारे गुण आरोपित करें, इन हर ओन केयर अपने संरक्षण में। बट द गर्ल डाइज एट एन अर्ली एज ऑफ 3 years। लेकिन लूसी की 3 साल में ही मौत हो जाती है, 3 साल की उम्र में ही। एंड ऑल द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ मदर नेचर एंड द पोएट आर डैश टू द ग्राउंड। और इतनी जल्दी मौत हो जाने के कारण प्रकृति के सारे सपने, प्रकृति का लक्ष्य और साथ ही कवि की पूरी जो कल्पना है वो सभी मिट्टी में मिल जाते हैं। सब कुछ उस लड़की के डेथ के बाद खत्म हो जाता है। द पोयम शेयर्स द फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ टुवर्ड्स नेचर। कई बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राइट द फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ टुवर्ड्स नेचर। तो इस पोयम में जो वर्ड्सवर्थ की फिलॉसफी है, फिलॉसफी अर्थात दर्शन या प्रकृति को लेकर उनके विचार, तो वर्ड्सवर्थ की फिलॉसफी ये है कि नेचर इज द बेस्ट टीचर, प्रकृति से अच्छा कोई और टीचर नहीं हो सकता। एंड ह्यूमन बीइंग कैन लर्न द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड काम पोलाइट एंड हम्बल, टू बी सिंपथेटिक टूवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स इन द बेस्ट वे इन द लैप ऑफ नेचर। प्रकृति सबसे अच्छी टीचर है और कोई भी इंसान प्रकृति के गोद में मानवता के गुण सबसे अच्छी तरह से सीख सकता है। क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड दयालु होने का भाव, काम मतलब शांत या सौम्य, पोलाइट एंड हम्बल मतलब विनम्रता का भाव, एंड टू बी सिंपथेटिक टुवर्ड्स ऑल लिविंग बींग। सिंपथेटिक मतलब होता है सहानुभूति का भाव, टुवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स कोई भी व्यक्ति जो प्रकृति के ज्यादा करीब है उसमें सभी जीवों के लिए सहानुभूति का भाव ज्यादा हो सकता है। यह वर्ड्सवर्थ की अपनी फिलॉसफी है। तो मानवता के उन गुणों को हम प्रकृति से ही सबसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। द पोयम इज अ ब्यूटिफुल एलिजी रिटर्न टू अ गर्ल हु डाइड एंड होम वर्ड्सवर्थ एडमायर्ड नॉट ओनली फॉर हर ब्यूटी बट फॉर हर कनेक्शन टू नेचर। यह कविता एक एलिजी है, एक लड़की की मौत की स्मृति में लिखा गया है,
तो वो लड़की जो 3 साल की उम्र में ही जिसकी मौत हो गई और जो वर्ड्सवर्थ को बहुत प्रिय थी, नॉट ओनली फॉर हर ब्यूटी, न केवल अपनी सुंदरता के कारण, बट फॉर हर कनेक्शन टू नेचर, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो लड़की प्रकृति के बहुत करीब थी और प्रकृति की गोद में ही बड़ी हो रही थी। अगर आपको एग्जाम में वर्ड्सवर्थ की फिलॉसफी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन, उसके जस्ट बाद लिख सकते हैं और इसके बाद आपको फिर समरी स्टार्ट करना है। क्वेश्चन कोई भी आए, पोयम की समरी आपको लिखनी ही होगी। तो कुछ भी क्वेश्चन हो, आप ये समरी पूरी लिख सकते हैं। इसलिए आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। So thank you all of you for watching this video patiently and keep watching the next videos for the summary of next chapters. Okay, thank you.